हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए, वीडियो नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा HPCL, बार्क, IOCL और ONGC के लिए भी, ठीक है। तो सिलेक्शन सीरीज आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसमें। ये वीडियो नंबर 4 है, 3 वीडियो मैंने आपको करा दिए हैं, इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको बना के दे दूंगा या फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई सभी लोग, डिप्लोमा वाले जो भी हैं। और देखो, जो भी लोग डिप्लोमा वाले हैं, ITI वाले हों, ठीक है, BTech वाले हों, वो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। IOCL, HPCL, ONGC, NPCL, बार्क, सील, NTPC, इन PSU की तैयारी ज़्यादातर करवाई जाती है चैनल पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18x8 स्टेनलेस स्टील रेफर्स टू स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स विथ कंपोजिशन। तो भाई आपको 18x8 स्टील का कंपोजिशन बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। स्टील से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो देखिए कौन सा होगा। 18% क्रोमियम होगा, 8% निकल होगा, 18% निकल एंड 8% क्रोमियम, 18% वेनेडियम एंड 8% क्रोमियम एंड 18% क्रोमियम एंड 8% वेनेडियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ए आंसर। 18% होता है क्रोमियम एंड 8% होता है निकल, ठीक है, याद रखना। और ये जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेनलेस स्टील जो कि 3 टाइप की होती हैं, वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, पूरा देखना, ठीक है, बोर्ड पे कराऊंगा, पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है वीडियो से। लाइक ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो शुरू। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो देखना ध्यान से, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो 18x8 स्टील मैंने आपको बताया थी, 18x8 स्टील, ठीक है, क्या थी वो, वो थी ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, यही था ना, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ है क्या, वो मैं आपको क्लियर बता दूँ। स्टेनलेस स्टील 3 टाइप की होती हैं, यहाँ पे देखिए, मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, नाम कुछ ऐसे हैं जो याद करने पड़ेंगे आपको। मार्टेन स्टिक स्टेनलेस स्टील जो कि 11 से लेके 14% तक क्रोमियम होता है और 0.12% तक कार्बन होता है। नोट्स बना लेना, ठीक है, ये लिख लेना, तो ये याद रहेंगे, अभी मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, इसमें 18% क्रोमियम है, 0.12% कार्बन है, ठीक है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, इसको 18% कार्बन क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड 18x8 स्टील, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या है, नॉन मैग्नेटिक होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक है नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, तो ये नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मतलब जो चुंबकत्व होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके अंदर होती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इसके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, मार्टेन स्टेक स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब याद कैसे करना है भाई, ये कार्बन की परसेंट देखो याद तो करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे मार्टेन स्टेनलेस स्टील याद कर लेना पहले, फिर फेरेटिक स्टील और फिर ऑस्टेनेटिक स्टील, इस तरीके से 11 से 14% कार्बन, 11 से 14% क्रोमियम हो गया, 0.12% कार्बन हो गया, 18% क्रोमियम हो गया, 0.12% कार्बन हो गया, 18% क्रोमियम हो गया, 8% निकल हो गया, ठीक है। तो ये रट्टा मान लेना, याद हो जाएंगे, ये तो याद करनी पड़ेंगे, इसको कोई ट्रिक तो है नहीं, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखो, कार्बन की बात करूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कार्बन, अगर आप कार्बन अगर बढ़ाते हो, ठीक है, तो हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती है, ये भी याद रखना, किसी भी प्रोडक्ट की जो हार्डनेस होगी, ठीक है, कठोरता होगी, मजबूती होगी, वो बढ़ेगी, और डक्टिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, डक्टिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है, ये कार्बन से रिलेटेड पॉइंट हो गए। अब एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोर देन 2% कार्बन, अब 2% से ज़्यादा कार्बन होगा, तो 2% से ज़्यादा कार्बन किस में, तो आयरन बनेगा, ठीक है, आयरन के केस में होता है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है, और लेस देन 2% कार्बन, अगर हम कार्बन की मात्रा 2% कम रखेंगे तो सारी स्टील में आती है वो, ठीक है, जैसे कोई भी स्टील होगी तुम्हारी, फेरेटिक स्टील होगी, जो भी
जो भी स्टील आएंगी ठीक है, अलग अलग डेड मैच स्टील होगी, वो सब 2% से कार्बन स्टील में आएगी ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा स्टील। तो ये पॉइंट कुछ याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक पेज में नोट्स बना सकते हो, याद कर सकते हो ठीक है इस तरीके से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई यहाँ पे जर्मन सिल्वर इज अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर जो होता है वो किसका अलॉय होता है, सिल्वर एंड टिन का। कंपोजिशन बहुत आते हैं, तो कंपोजिशन का पूरा वीडियो मैंने एक करा दिया है, वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा उसका कंपोजिशन, कंपोजिशन करके लिखा होगा ठीक है। सारे कंपोजिशन जर्मन सिल्वर है, ब्रास है, पीतल जो भी हैं कंपोजिशन, वो सारे आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में ठीक है, तो याद कर लेना। तो सिल्वर होगा या टिन होगा, देखो जर्मन सिल्वर में तो सिल्वर तो होगा ही नहीं पहली बात तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। निकल एंड कॉपर ये हो सकता है क्या बताइए, तो ये भी नहीं होगा, निकल कॉपर एंड जिंक ठीक है, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए भाई मैं आपको बता दूँ, आपको अगर मेटल अलॉय कंपोजिशन का वीडियो देखना है तो ये वाला आपको वीडियो पूरा देख लेना है, इसमें पता है सारे मेटल मैंने आपको करा रखे हैं, बेबेट मेटल, जर्मन सिल्वर ठीक है, ये सब तरीके के मेटल करा रखे हैं। देखो पीतल है, ब्रॉन्ज है, ये सब कुछ कुछ करा रखा है ठीक है, गन मेटल है, जर्मन सिल्वर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं इसमें ठीक है, अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना आप, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ द जी बाई ए ई का रेशियो दे रखा है, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ई है यंग मॉडुलस ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है आपको 0.4, तब पॉइजन रेशियो विल बी, बहुत छोटा क्वेश्चन है तो इसको आपको करना है, कितना आंसर आएगा इसका आंसर आपको बताना है, न्यूमेरिकल है ये ठीक है। चलिए इसको करते हैं, बोर्ड पे करेंगे इसको। देखिए भाई एक बात बता दूं आपको, तैयारी तुमको करनी पड़ेगी ठीक है, तुमको डेटा याद करने पड़ेगा, डेटा लिखाने का बस मेरा प्रोसेस है, मैं आपको सिर्फ डेटा लिखा दे रहा हूँ कॉपी में ठीक है, याद आपको करना पड़ेगा ध्यान से, रिवीजन डेली करना पड़ेगा आपको ठीक है, डायरी में लिख लीजिए कि ये टाइम पे हमें रिवीजन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जी वाई ई जो दे रखा है आपको, क्वेश्चन देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जी वाई ई का जो रेशियो दे रखा है 0.4 ठीक है, 0.4 दे रखा है, द पॉइजन रेशियो विल बी, पॉइजन रेशियो आपको पूछा है, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है भाई, म्यू होता है या फिर 1/m से हम डिनोट करते हैं ठीक है, पॉइजन रेशियो। अब देखिए कुछ रिलेशन होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लेना ठीक है, कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट है, E बराबर 2g 1 प्लस म्यू ठीक है, E बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू, E बराबर होता है 9kg अपॉन 3k प्लस जी ठीक है, यही होते हैं ना तीनों रिलेशन, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये इन पे फॉर्मूला सोम स्टेंथोमेटेरियल पढ़ोगे तो इन फॉर्मूले पे देखिए, यंग मॉडुलस हो गया E ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, ये म्यू है, म्यू को भी हम बदल सकते हैं, 1/m भी रख सकते हैं एक जगह पे ठीक है, इस तरीके से तो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, इसके तीन फॉर्मूले के 6-7 फॉर्मूले बन जाते हैं जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो देखना उसमें मैंने करा रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे लगेगा कौन सा, देखो जी बाई ई का रेशियो दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ठीक है, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, लिख लेना। तो ये पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो जी बाई ई, अब देखो यहाँ पे ई है, जी इधर लेके आऊंगा, देखना अभी ई है, ये जी इधर लेके आया, दो यहाँ पे बचा ठीक है, 1 प्लस म्यू। अब देखो देखिए भाई यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो जी बाई ई का रेशियो 0.4 दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ई बाई जी, तो ये भाई उल्टा तो करना पड़ेगा आपको, तो उल्टा करना पड़ेगा तो मतलब 0.4 हो जाएगा ठीक है, और इनटू ये वाला जो दो है वो मैंने इधर ले लिया ठीक है, 1 प्लस म्यू हो गया ठीक है। अब 1/ कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा बराबर 1 प्लस म्यू, पॉइंट रहेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 से 1 काटो, 2 यहाँ पे 8 1 8 हो गया
ठीक है, आठ एक आठ होगा दो बचेगा, पॉइंट लगाए आठ दूनी सोलह, पॉइंट लगा दो आठ दूनी सोलह, चार बजेगा पाँच हो गया, ठीक है सोलह, ठीक है आठ पॉइंट चालीस, ठीक है ये हो गया। तो वन प्लस म्यू, अब ये क्या करेंगे, हम एक घटाएंगे 1.25 में से, 1.25 में से अगर एक गया तो म्यू का मान बचेगा, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा 0.25। आंसर कितना आ रहा है भाई, 0.25, ठीक है बी आंसर इसका हो रहा है, समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने कैलकुलेशन करी है वो थोड़ा समझ नहीं है आपको। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फोर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल लोकेटेड बाय ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एंड मिड पॉइंट इज गिवन बाय, आपके सामने क्या है, एक बीम है, ये दो रिएक्शन लगा रहा हूँ ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है मिड में मैंने क्या लगाया डब्ल्यू का लोड लगाया, ठीक है तो रिएक्शन अगर आर ए पे अगर देखी जाए तो आर ए पे रिएक्शन कितनी हो जाएगी बताएगा कोई, डब्ल्यू बाई टू हो जाएगी, ठीक है डब्ल्यू लोड लगा तो डब्ल्यू बाई टू की यहाँ तक की आधी दूरी, यहाँ तक की आधी दूरी, ठीक है तो डब्ल्यू बाई टू आर बी पे रिएक्शन हो जाएगी डब्ल्यू बाई टू, ठीक है तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या पूछा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा एम बी वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर, ठीक है डब्ल्यू बाई एल बाई फोर मिड पॉइंट पर लगेगा तो डब्ल्यू एल बाई फोर जी का आंसर हो जाएगा सी आंसर डब्ल्यू एल बाई फोर। तो ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, मैं एक एक करके आपको करा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है बस ध्यान से वीडियो को देखना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, द प्रोसेस ऑफ एम्बॉसिंग ए डायमंड शेप पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्क पीस इज नॉन एज, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा। देखो डायमंड शेप का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आपका ये कोई भी है टूल है, मैं इस तरीके से टूल बना रहा हूँ भाई, ठीक है ये टूल बना दिया मैंने, अब ये टूल क्या है कि मैं यहाँ पे अभी पकड़ता हूँ, ठीक है पेचकस हो गया या जो भी हो गया तो इसको पकड़ता हूँ अभी तो ये स्लिप करेगा मतलब, लेकिन इस पर अगर मैं इस तरीके से कर दूँ देखना अभी, ठीक है ये इस तरीके से अगर मैंने डायमंड शेप बना दिया, कभी देखा होगा इस तरीके से बने होते हैं, अब इसको तुम पकड़ोगे तो ये ग्रिप बना लेगा, ठीक है ग्रिप बना लेगा ये अपने हाथों में, तो ग्रिप बना लेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्लिंग हो जाएगा, ठीक है नर्लिंग हो जाएगा। चैम्फरिंग क्या होता है, चैम्फरिंग देखिए इस तरीके से होता है, चैम्फरिंग जैसे आप मान लो बेवलिंग ऑफ द, जैसे इस तरीके से ये जो आपको दिख रहा है ये इस तरीके की कटिंग हो रही है ये चैम्फरिंग में आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सिक्स देखेंगे, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। देखिए आर्क वेल्डिंग, पहले तो आर्क क्या होता है सबसे पहले दिमाग में आता है, तो देखिए जब हम वेल्डिंग करते हैं मैं आपको बता दूँ इस तरीके से हमने वेल्डिंग करी, ठीक है ये आपने क्या करा इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ करा एक इलेक्ट्रोड, ठीक है ये बना दिया ये केबल निकल आई, ठीक है इस तरीके से जो भी है, अब ये हो गया यहाँ पे जब आप टच करोगे इसे थोड़ा सा हल्का सा तो यहाँ पे क्या है इस तरीके से चिंगारी उठेगी, ये चिंगारी जो है फायर है इसको ही हम आर्क बोलते हैं, ठीक है आर्क बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि आर्क होता क्या है एक्चुअल में, तो आर्क जो है वो चिंगारी जो है ना, ठीक है चिंगारी है वही इसको बोलते हैं आर्क, तो आर्क की जो लेंथ है आर्क की जो लेंथ होती है जितनी भी लेंथ बना रहा है आर्क, ठीक है जितनी भी लेंथ बना रहा है वो शुड बी होता है डायमीटर इलेक्ट्रोड रोड के बराबर, ठीक है ये डायमीटर इलेक्ट्रोड का रोड है, ठीक है इसके बराबर होता है, तो कह रहा है देखिए यहाँ पे आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड रोड ये हो जाएगा डी आंसर इसका, ठीक है ये समझ लेना इंपॉर्टेंट है ये, तो इतनी चौड़ाई का वो बनाता है, ठीक है आपकी आर्क बनाता है, चलिए या होनी चाहिए इस तरीके से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन, व्हेन द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप ए स्मूथ शाइनिंग सरफेस इट इज सेट टू बी, जैसे मान लो कि आपका एक ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है चलो मैं पूरा बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये ग्राइंडिंग व्हील है यहाँ पे क्या होता है इस पर होते हैं भाई क्या होते हैं इस पर
एब्रेसिव कण, ठीक है, एब्रेसिव कण होते हैं, एब्रेसिव पॉइंट होते हैं। अब ये आपने क्या किया कि कोई भी टूल है आप घिस रहे हो उसको, ठीक है, ये चलते जा रहा है भाई, इस तरीके से रोटेशन मैंने कर दिया, ये चलते जा रहा है, तो ये एब्रेसिव कण हो गए, वो क्या हो गए, रिमूव हो गए, कैसे हो गए, हट गए, ये रिमूव हो गए, तो ये सतह है ना वो चिकनी हो जाएगी, तो सतह चिकनी हो जाएगी तो ये क्या है, एक आवाज़ साउंड करेगी, ठीक है, साउंड मतलब एक कुछ अलग टाइप का साउंड आएगा, ठीक है, इसमें तो ये हो जाएगी, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्लेजिंग बोलेंगे इसको, ग्लेजिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ग्लेजिंग बोलेंगे। तो मैंने ग्राइंडिंग का पूरा वीडियो करा दिया है अच्छी तरीके से, फुल वीडियो, तो ग्राइंडिंग भाई MR की स्टडी जरूर डाल कर देखें पूरा, एकदम अच्छी तरीके से वीडियो मिल जाएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया उसमें, ठीक है, नोट्स बनाना है तो चलिए नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे भाई, बिना नोट्स के तो तैयारी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज आल्सो नॉन एज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिलिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग, इलेक्ट्रो ग्राइंडिंग एंड मेटल डिपोजिशन, बताइए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल यहाँ पे प्लेटिंग, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोई भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये डिप करा जाता है आपका, जैसे आपको ये कोई भी प्रोडक्ट है उस पर पॉलिशिंग करनी है, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट को इसमें मटेरियल में यहाँ पे लिक्विड होगा, ठीक है, जो भी आपको लिक्विड चढ़ाना है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके अंदर एनोड और कैथोड करके जो होता है प्रोसेस, तो इसके अंदर डुबकी लगाई जाएगी इसके अंदर, इसको प्रोडक्ट को, तो इसके ऊपर ये चढ़ जाती है, प्लेटिंग हो जाती है एक तरीके की, ठीक है, जैसे गोल्ड की करनी है आपको, सिल्वर की करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा आयरन का हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, आयरन का प्रोडक्ट है, हमें इसके ऊपर सिल्वर की पॉलिशिंग करनी है, तो इसके अंदर ये डुबा देते हैं, डुबा के निकाल देते हैं, बस हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का इज ए फिनोमेना बाई विच ए लिक्विड राइज इंटू थिन ग्लास ट्यूब एबव ए बिलो इट्स जनरल लेवल। देखिए, एक ऐसा फिनोमेना जो क्या करता है, वाट लिक्विड को राइज करता है एंड फॉल करता है एक पतली ट्यूब में, तो आपको सबको पता होगा, ये मैंने मान लो ये इस तरीके से मैंने क्या किया, ये वाटर भर लिया, और पतली सी ट्यूब मतलब 5 mm से 5 mm की ट्यूब होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये मैंने इस तरीके से इसमें डाल दी, तो डाल दी क्या होगा, ये या तो राइज करेगा या तो ये इस करके फॉल करेगा, यही प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं, कैपिलरिटी, ठीक है, और राइज एंड फॉल करेगी तो कैपिलरिटी एक्शन। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये किस कारण होती है, एडिशन के कारण होती है या कोहेजन के कारण होती है। अब एडिशन और कोहेजन पता नहीं हो तो आप एक बार देख लेना वीडियो को, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में करा दिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स बाय MR की स्टडी डालना तो आपको मिल जाएगा। देखो, ये दोनों के कारण होती है, बोथ एडिशन एंड कोहेजन, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एडिशन मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, जैसे मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ बहुत बार, वाटर के मॉलिक्यूल हैं 1 और 2, और ये तीसरा मॉलिक्यूल किसका हो गया, ये हो गया तुम्हारा ये बर्तन का मॉलिक्यूल, अगर 1 और 2 अगर करेंगे अट्रैक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एडिशन, और 1 और 3 करेंगे, सॉरी 1 और 3 करेंगे तो ये हो जाएगा एडिशन, और 1 और 2 अगर वाटर के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन करेंगे उसको कोहेजन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी जो होती है कैपिलरिटी एक्शन में, बोथ प्रॉपर्टी होती है कोहेजन एंड एडिशन दोनों की, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो बनता है कैपिलरिटी एक्शन का, H बराबर 4σ cos थीटा अपॉन रो जी डी। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, H जो है प्रोपोर्शनल किसके है, आपको दिख रहा है सरफेस टेंशन के, ठीक है, ये सरफेस टेंशन है। H जो प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो किसके है, रो के, डेंसिटी के। H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, और H जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो ये ध्यान रख लेना, H इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H जो हाइट होती है वो सरफेस टेंशन के होती है। तो ये भी एक पॉइंट बन गए, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 10।
क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, इन वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ द फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो होता है वो किस तरीके का होता है? ए zigzag फ्लो, टेक प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन, टेक प्लेस इन ए कर्व एंड स्टडी एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। एक वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब ये होगा एक ही स्ट्रेट लाइन आपको बनाएगा, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन बनाए तो वन डायमेंशनल फ्लो। जैसे मान लो कि आपको ये इस तरीके से मैंने ये पानी डिश में डाल दिया, ठीक है, तो कभी कभी एक कलर का एक छोटा सा पॉइंट देखा होगा आपने कलर का। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे रंग लेके आते हो तो रंग में छोटे छोटे कण होते हैं, और उस कण को अगर पानी के अंदर तुमने डाल दिया तो ये अंदर अंदर जैसे जाता जाएगा तो एक ही लाइन ऐसे करके बनाता जाएगा ऐसे करके, ठीक है, और गिर जाएगा। तो हम टेक प्लेस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वन डायमेंशनल इसको फ्लो हम बोल सकते हैं, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही मैं कराता हूँ भाई वीडियो में, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर टेक प्लेस ए कर्व, अब कर्व लाइन बनाएंगे तो कौन सा डायमेंशनल होगा, वन डायमेंशनल या फिर टू डायमेंशनल, ठीक है, या फिर आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा या फिर लैमिनार फ्लो होगा। तो आपको अगर अच्छे से बताना है तो आपको देखो टर्बुलेंट फ्लो भी बताना कि क्या होता है, ठीक है, लैमिनार फ्लो भी बताना कमेंट बॉक्स में क्या होता है, और अगर अगर कर्व बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से कर्व लाइन बना रहा है तो किस इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में बताना भाई। तो जिन लोगों ने बताया उसका नाम बताऊँगा मैं दूसरे वीडियो में, भाई बहुत ज़्यादा होशियार होगा वो बंदा जो बताएगा। बाकी देखो 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो यहाँ पे वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब थोड़ा सा कम है हमारे, तो अभी टारगेट रखते हैं हम 20K सब्सक्राइबर का, जिससे जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर करवा दीजिए 20-20K सब्सक्राइबर, उसके बाद हम दूसरा टारगेट रखेंगे। ऐसे ही आपको टारगेट लेना है, छोटा छोटा टारगेट लेना है, ठीक है, जिससे आपको कंप्लीट हो जाए धीरे धीरे करके। तो जो भी डिप्लोमा वाले हैं, ITI वाले, बीटेक वाले जो भी पढ़ रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और